आज शहीद दिवस पर गांधी जी के बलिदान को हम सभी देशवासी याद करते हैं, साथ ही साथ उन अनेकों शहीदों को भी हम याद करते हैं जिन्होंने मातृभूमि के लिए अपनी जान न्यौछावर दी। हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी की 76वीं पुण्यतिथि पर अजमेर शहर जिला कांग्रेस कमेटी की ओर से उन्हें सादर श्रद्धांजलि अर्पित की गई। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की पुण्यतिथि को देश शहीद दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। इस मौके पर अलग अलग स्थानों पर महात्मा गांधी को श्रद्धासुमन अर्पित किए जा रहे हैं। अजमेर के गांधी भवन सर्किल पर जिला प्रशासन की ओर से 2 मिनट का मौन रखते हुए श्रद्धांजलि अर्पित की गई। इस मौके पर रामधुनी गाकर गांधी के भजनों का गुणगान भी किया गया और सभी को अनुरोध किया गया कि वे महात्मा गांधी के जीवन को आत्मसात करें। इस मौके पर जिला कलेक्टर डॉक्टर भारती दीक्षित के साथ ही अन्य विभाग के अधिकारी मौजूद रहे। कलेक्टर ने कहा कि महात्मा गांधी ने देश के लिए अपनी जान दे दी, ऐसे में उनके इस योगदान को युवा पीढ़ी याद रखे, इस उद्देश्य से एक कार्यक्रम आयोजित किया गया है। आज शहीद दिवस पर गांधी जी के बलिदान को हम सभी देशवासी याद करते हैं, साथ ही साथ उन अनेकों शहीदों को भी हम याद करते हैं जिन्होंने मातृभूमि के लिए अपनी जान न्यौछावर दी। गांधी जी के जो मूल्य हैं, जो आदर्श हैं, उनको हमें याद रखना चाहिए। हमारी जो जनरेशन है और आने वाली जनरेशन हैं, वो सभी ये याद रखें कि कैसे गांधी जी ने सत्य और अहिंसा का पाठ हम सभी को पढ़ाया और उन्हीं के आदर्शों और मूल्यों पर हमें आगे चलना चाहिए। वही इसके साथ ही अजमेर कांग्रेस की ओर से भी गांधी भवन पहुंचकर श्रद्धा सुमन अर्पित किए गए। पूर्व मंत्री नसीम अख्तर और शहर अध्यक्ष विजय जैन के साथ ही अन्य पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद रहे जिन्होंने प्रतिमा पर माल्यार्पण अर्पित करते हुए श्रद्धांजलि दी गई। हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी की 76वीं पुण्यतिथि पर अजमेर शहर जिला कांग्रेस कमेटी की ओर से उन्हें सादर श्रद्धांजलि अर्पित की गई। महात्मा गांधी जी जो राष्ट्रपिता के साथ साथ बापू के रूप में पूरे देश में विख्यात और देश ही नहीं पूरी दुनिया में विख्यात, महात्मा गांधी जी के बताए हुए मार्ग पर चलते हुए हम निश्चित तौर पर हमने देश में तरक्की, उन्नति और विकास किया है। आज़ादी के अंदर बहुत महत्वपूर्ण भूमिका महात्मा गांधी जी की रही, जिसमें अहिंसा के रूप में उन्होंने आंदोलन किए और बड़े बड़े आंदोलन किए और अंग्रेज़ों को झुकना पड़ा और अंग्रेज़ों ने जो है भारत छोड़कर हमारे देश को आज़ादी दिलाने वाले महात्मा गांधी जी और उनके साथ साथ उनकी पूरी जितने भी शहीदों की टीम थी, जितने भी हमारे जो देशभक्त थे, उन सबको भी मैं बहुत सशस्त्र नमन करता हूँ। महात्मा गांधी जी को नाथूराम गौडसे ने आज के दिन गोली मारी और नाथूराम गौडसे को मानने वाले लोग या नाथूराम गौडसे के बताए हुए मार्ग पर चलने वाले लोग अगर देश के अंदर कट्टरता और असामाजिकता और द्वेषता के रूप में देश के अंदर अगर गंदगी फैलाना चाहते हैं तो वो कभी भी कामयाब नहीं होंगे, क्योंकि बापू एक ऐसी शख्सियत है जिसको पूरी दुनिया ने माना है और पूरी दुनिया बापू को आज सलाम करती है। महात्मा गांधी जी पुनः जो है उनकी पुण्यतिथि पर बहुत बहुत सादर श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं।